गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो ब्रेड पकौड़ा सभी को पसंद होता है, बड़े बच्चों सभी को पसंद होता है, बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन आप लोग घर पे बनाइए, बाहर का अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो क्यों ना आज घर पे ही बनाया जाए, हम लोग घर पे ही बनाते हैं। तो चलिए मेरी वीडियो देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं भाई। और भाई पैसे नहीं लगते तो फ्री में है तो करना तो बनता ही है ना, तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमने आलू ले रखे हैं, इनको बॉईल कर लिया है। और अब मैं इधर मसाले ले लूँगी। मसालों में मैं चाट मसाला 2 चम्मच है, और आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। अब इन आलुओं को मैं मैश कर लूँगी, हल्का दरदरा ही मैश करना है। अब मैं एक तरफ कढ़ाई में तेल डाल के गरम कर लूँगी तेल को, और फिर मैं उसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करूँगी। और जीरा होने के बाद मैं उसमें हल्दी आधा चम्मच ऐड कर दूँगी। जब मेरे ये हो जाएंगे तो उनके बाद एक हरी मिर्च डालनी है हमको। और जब ये तड़का तैयार हो जाए तो अब हमने जो आलू को मैश किया है इसमें ऐड कर देंगे। आलू को ऐड करने के बाद फिर इसमें जो हमने मसाले लिए थे चाट मसाला और लाल मिर्च धनिया पाउडर, तो अब इनको भी हमें ऐड कर देना है इसमें, और फिर अच्छे से मिक्स करना है। और फिर धनिया पाउडर और आप नमक स्वाद अनुसार डालकर बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मसाला हो गया तैयार हमारा। अब दूसरी तरफ हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। बेसन का घोल के लिए मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं, और इसमें मुझे आधा चम्मच हल्दी डालना है, और आधा ही चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार ऐड करके, और आधी गिलास तक पानी इसमें ऐड करना है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके घोल इसका तैयार करना है हमें। इस घोल में बिल्कुल भी गुलटियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से इसको घोल को मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप घोल को तैयार करेंगे तो गुलटियाँ बिल्कुल भी नहीं होंगी। बस घोल हो गया हमारा तैयार। अब हम ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड को मैं 2 तरीके से मैं यहाँ पकौड़ा बनाऊँगी, तो एक सर्कल में, एक ट्राइंगल में। तो ये सर्कल में मैंने एक गिलास ले ली, आप कटोरी कुछ भी ले लीजिए, तो बस उसको बीच में प्रेस करिए, और ये सर्कल हो गया हमारा तैयार। और जो मसाले आलू के लिए थे, अब मैं उसमें 1 रोटी की बराबर लूँगी लोई, और बस उनको लोई की जैसे बना लूँगी। और फिर जो ब्रेड है, ब्रेड के दोनों 2 ब्रेड के बीच है, मैं इनको रख दूँगी आलू की टिकिया को। और ये हो गया हमारा तैयार। अब इसको हमें बेसन के घोल में, जो हमने घोल तैयार किया उसमें डिप करना है, और गरम ऑयल में बस डिप करके फ्राई कर लेना है।
और ये देखिए मैं ट्रायंगल वाला भी आपको दिखा रही हूँ कि ट्रायंगल एक ब्रेड को मैंने भी ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। फिर उसी तरीके से टिकिया को बीच में रख के और बेसन में डिप करके इसको फ्राई कर रही हूँ। आप इसी तरीके से अपनी सारी ब्रेड को चाहे आप तो ट्रायंगल शेप पे करिए या सर्कल में, आप जैसा चाहते हैं वैसा कर वैसा फ्राई करिए, वैसे ही पकौड़े बनाइए। सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बस मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।